इतना सुंदर व्याख्यान, तो राखी कब बांधे हैं? अब मूल प्रसंग तो छूट ही गया। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर बाबा का नाम लेकर, मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी हर पल हर क्षण मेरे बाबा का है, उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर बांधो, कोई मना नहीं। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा ना, 30 तारीख का, तो मनाना, दिल से मनाओ। जल हो पानी हो और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो जिसमें पानी भरा वो श्रीफल होना चाहिए। और गोला पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की श्रीफल कार्तिक बाबा का प्रतीक है, श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है, फल की मूलता है, या नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर, तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन तो राखी कब बांधे हैं? भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का निवेदन केवल। 3 काल को हरने वाले होते हैं, पहले नंबर पर संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। तीनों की महत्वता, जब ये राखी जो बनती है रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है 15 दिन 20 दिन जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद रक्षा सूत्र को कहाँ डाला जाता है? कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है उस स्थान पर कोई कील लगी हो कोई फूटा लगा हो उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता है। वहां रख क्यों जोड़ा गया इसको? हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को गाय से 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं और केवल जहां पर गौ माता निवास करती है। हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे, क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है, क्या गाय बनती है उस जगह पर, अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बांधने के बाद 8-15 दिन महीने बाद 2 महीने में बांध, जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं।